नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त हो चला है आज की मुख्य खबरों का। जवालीपुरम में निशुल्क शिक्षा संस्था द्वारा महापौर जगत बहादुर अन्नु के नेतृत्व में एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय कचपुरा गढ़ा में वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि जबलपुर जिले की शासकीय स्कूलों में इस तरीके का वार्षिक महोत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा। शासकीय विद्यालय कचपुरा में आज यहाँ पर एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया और बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ पे मनाया गया। कल्चरल एक्टिविटीज भी छोटे छोटे बच्चों ने की, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी, और शाला के जो बच्चे हैं उन्होंने तो मेहनत की, उनके साथ साथ उनके शिक्षकों ने बहुत मेहनत की, और हमारे शहर के समाजसेवी सचिन यादव जी ने अपने स्कूल से टीचर्स को लाके, स्टूडेंट्स को लाके यहाँ पर ट्रेनिंग कराई। ट्रेनिंग करा के इसमें जो और उत्कृष्टता लानी थी वो लेके आए। स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। ऐसे ही हम लोग शिक्षक चाहते हैं, ऐसे ही प्रचार चाहते हैं हम लोग कि अपने बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा जो इनपुट दे सके उनको देना चाहिए। हम लोग ऐसी शालाओं के लिए आगे जो कर बन पड़ेगा उसको ज़रूर से करेंगे, चाहे स्मार्ट करना हो, चाहे उनके डेवलपमेंट की बात हो, चाहे बच्चों के डेवलपमेंट की बात हो, वो सब हम लोग उससे तौर पर करेंगे। हमारा प्रयास है कि जबलपुर शहर के ऐसे 7 नगर निगम स्कूल में हमारी संस्था द्वारा निःशुल्क सेवा करके शासकीय स्कूल को किसी भी तरीके से इन बच्चों के भविष्य का उज्ज्वल करने का काम करें। जिस तरीके से पूरे देश में इंग्लिश मीडियम का बोलबाला बढ़ रहा और सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, संस्था द्वारा ये निर्धारित किया गया है और हम लोग का एक प्रयास है। पहला प्रयास हम लोग ने आज गढ़ा में किए हैं। हम पूरे जबलपुर शहर के लगभग सभी शासकीय स्कूल में इस टाइप के कार्यक्रम करेंगे और बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे और उनको भी उन्हीं छात्राओं के साथ खड़ा करने का प्रयास करेंगे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे करते हैं। और इसी कार्यक्रम में आज महापौर जी ने जो बच्चों को सरकारी गोद लेके काम किया है वो एक सराहनीय कार्य है और इस कार्यक्रम को बल मिलेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ कि जबलपुर शहर के बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हों और सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी प्रोत्साहित करें और वो भी इस देश में अपना नाम रोशन कर सकते हैं।